में शामिल रहा मोस्ट वांटेड आतंकी सरफराज मेमन इंदौर में पकड़ा गया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सरफराज की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। एनआईए ने एक दिन पहले सरफराज के मुंबई में होने का अलर्ट जारी किया था। इसके बाद मुंबई पुलिस ने इंदौर पुलिस को भी अलर्ट भेजा था। पांचवी पास सरफराज मेमन इंदौर के चंदन नगर का रहने वाला है। वो लंबे समय से खजराना इलाके की मस्जिद के पास रह रहा था। उसने यहाँ मेडिकल स्टोर भी खोल लिया था। वो कई भाषाओं का जानकार है। गृह मंत्री मिश्रा ने बताया कि सोमवार को मुंबई पुलिस और एनआईए की तरफ से इंदौर पुलिस को एक इनपुट मिला था, जिसमें सरफराज के मुंबई में संदिग्ध परिस्थितियों में घूमने की बात सामने आई थी। एनआईए का जो इनपुट मिला था उससे ये सरफराज को इंदौर की पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये मध्य प्रदेश है, यहाँ कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अपनी इस तरह से गतिविधि में संलग्न रहेगा तो उसको नहीं छोड़ेगी पुलिस। पुलिस तत्काल गंभीरता से जांच कर रही है और जांच के बाद जो भी तथ्य आएंगे उसके तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।